फ्रेंड्स, आज हम कोविड-19 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके क्या सिम्टम होते हैं ये तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो और कई लोग सफर कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो से किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो और कोविड-19 से बच सकते हो। आज मैं आपको स्पेशल डाइट भी बताने वाली हूँ जो कि मोस्टली कोविड पेशेंट्स के लिए है एंड आप बाकी सब लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो मॉर्निंग की शुरुआत हम करने वाले हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। इसको बनाने के लिए आपको एक गिलास गर्म पानी लेना है, उसमें लेमन लेना है, थोड़ी हल्दी एंड सिनामन पाउडर जो कि आप ये पिक में देख पा रहे हो, इसको एक एक चुटकी आपको डालना है एंड अच्छे से स्टर करके फिर आपको इसको पीना है। ये डिटॉक्स ड्रिंक है, ये आपके बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, तो सोर थ्रोट की जो प्रॉब्लम हो जाती है उससे बचाती है। साथ ही हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है तो ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है और कोविड में बहुत हेल्पफुल है। कोविड के समय मोस्टली सोर थ्रोट की समस्या देखी जाती है, तो इसके लिए आप अदरक का रस और शहद, एक चम्मच शहद में कुछ बूंदे अदरक का रस मिलाकर ले सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, होममेड रेमेडी है एंड ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। इसको आपको 3 से 4 बार दिन में लेना है तो जो थ्रोट की समस्या है ना वो चली जाती है। अब हम जानते हैं ब्रेकफास्ट में हमें क्या खाना है। तो मोस्टली हमें हेल्दी चीज़ें खाना है। आप ओट्स ले सकते हो, कोई भी शीरा ले सकते हो, हलवा ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो, है ना। और आपको घी ज़रूर लेना है, जो भी आप ले रहे हो, पोहा या स्प्राउट चाट या फिर आप कुछ भी ऐसा हेल्दी आइटम ले सकते हो। साथ ही आपको फ्रूट्स की इनटेक जरूर रखनी है, कोई भी एक फ्रूट आपको ब्रेकफास्ट में जरूर लेना है ताकि एनर्जी बनी रहे आपके अंदर। साथ ही क्या होता है, कई बार कोविड इन्फेक्शन के कारण डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो पेट में दर्द, डायरिया यानी कि लूज मोशन और वॉमिटिंग आता रहता है, वॉमिटिंग का सेंसेशन। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए हमें, मैं आपको एक टी बता रही हूँ, आपको वो ग्रीन टी ज़रूर लेना है। इसे बनाने के लिए आप थोड़ी सी तुलसी ले सकते हो, जिंजर, मिंट लीव, ग्रीन टी एंड लेमन ग्रास और जैगरी, इन सबको आपको बॉइल करना है और इसकी टी बनाकर इसको पीना है। इसके बाद हम लंच की बात करते हैं। तो लंच में आपको हमेशा लाइट चीज़ें लेना है और जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, आपके डाइजेशन को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। आप दाल चावल ले सकते हो, है ना। इसके अलावा चपाती, सब्जी, सलाद और दही। और इसके अलावा आपको एक गिलास बटर मिल्क ज़रूर लेना है। बटर मिल्क मतलब छाछ, है ना। तो आपको ताज़ी ताज़ी छाछ ज़रूर लेना है लंच में। और कोशिश करें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। पालक का यूज़ आपको ज़्यादा करना है क्योंकि इनमें नाइट्रेट्स होते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ये इन्फ्लामेशंस को कम करता है। इसके अलावा जो अनार होता है और पाइनएप्पल होता है ना, साथ ही बीट रूट, इन सब में नाइट्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो हेल्प करते हैं इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करने में, सोर थ्रोट और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होता है उनको भी ये दूर करते हैं। तो आपको कोशिश करना है दिन में कोई एक जूस आप जरूर लो। इसके अलावा आप इवनिंग स्नैक की बात करें तो आप इसमें डेट्स ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो और लाइट चीज़ें आपको लेना है, मखाना ले सकते हो, है ना। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें लेने के लिए। आप चना ले सकते हो, मूंगफली ले सकते हो, भेल बना सकते हो या डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले सकते हो, कुछ भी आप अपनी क्रेविंग के हिसाब से ले सकते हो। अब हम डिनर की बात करते हैं। तो डिनर में आपको हेल्दी खाना है, इसके लिए आप कोई भी खिचड़ी ले सकते हो। मूंग दाल सबसे ज़्यादा अच्छी होती, सबसे हल्की होती, उसकी ले सकते हो। वेजिटेबल सूप्स ले सकते हो या चाहो तो आप रोटी सब्जी भी ले सकते हो। बट आपको जो ड्रिंक्स बताई हैं ना, ग्रीन टी एंड ऑल, वो सब ज़रूर ही लेना है। और सोने से पहले हल्दी वाला दूध भी आपको ज़रूर लेना है। ये सब आपको कोविड से बचाए रखेगा और कोविड से लड़ने के लिए शक्ति देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए।